दोस्तों हम बात करते हैं बेल की कि इसमें 302 में बेल के क्या प्रावधान है, बेल आप कैसे लेंगे। दोस्तों होता क्या है कि सबसे आसान 302 में बेल होती है इंटरिम बेल लेना। इंटरिम बेल क्या है? इंटरिम बेल की आपके घर परिवार में मान लीजिए कोई भी इंसान जो एक्यूज है जेल में बंद है, 2-3-4 साल हो गए उसको जेल में बंद है, या फिर 6 महीने से ही अभी वो जेल में बंद है मान लीजिए। अब वो इंसान जो बंद है उसकी वाइफ की डिलीवरी है, मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उसको इंटरिम बेल मिल जाएगी 1 महीना 2 महीना 3 महीना, डिपेंड करता है वो क्या कंडीशन है उसके अनुसार। हालांकि वो इंटरिम बेल बाद में बढ़ाई भी जा सकती है, या उस व्यक्ति के घर में किसी की डेथ हो गई या फिर सीरियसली किसी का ऑपरेशन होता है, ऐसे मामलों में इंटरिम बेल लेना आसान होता है 302 जैसे मामलों में जिसमें किसी की हत्या कर दी गई है। क्योंकि ऐसे मामलों की जो सुनवाई होती है थोड़ी डिले होती है, थोड़ा धीरे धीरे केस चलता है, ज़्यादा ही आप बेल लगाओगे डिले हो रहा है तो हाई कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा करो, वो भी आपके अगेंस्ट जा सकता है, तो इंटरिम बेल लेना थोड़ा आसान हो सकता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं सवाल कि सर अभी मर्डर केस में 302 में किसी मेरे भाई को जानकार के सगे संबंधी को पुलिस ने पकड़ लिया है, मतलब जेल भेज दिया है उसको, तो सर उसको क्या एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी? दोस्तों 302 जैसे मामलों में डिपेंड करता है आपने ग्राउंड क्या लिया। अब कहीं पर मर्डर हुआ और आप वहां तो अवेलेबल ही नहीं थे, या मान लीजिए आप तो गांव में थे या दूसरे शहर में थे, कहीं पर भी थे, तो उसका आपको सबूत देना पड़ेगा, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सुपारी किसी की दे दी और आप दूसरे स्टेट चले गए, आपने मारा नहीं पर मारने काम तो आपने ही किया, उसका ऑर्डर तो आपका ही है ना, तो ऐसे में भी आप ये नहीं दिखा सकते मैं दूसरे स्टेट में था। अगर लिंक आपका हो गया तो यहाँ पर आप फंस ही जाओगे। मतलब कि नॉर्मल मामलों में किसी ने बोला कि ये भी था, दो लोग पकड़े गए, तीसरे को बोलते हैं ये भी था और आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बिल्कुल ली जा सकती है। और भी ग्राउंड्स बनाए जा सकते हैं, वो आपके वकील साहब पर डिपेंड करता है कैसे वो ग्राउंड बना रहे हैं। कि हम जब भी कोई बेल लगाते हैं तो हम पहले केस को पूरा पढ़ते हैं, जाके एक्यूज से जेल में मिलते हैं, तभी उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल पाती है। ऐसे ही बेल लगाना हमेशा गलत होता है, बेल डिसमिस हो जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल बहुत ही स्ट्रांग ग्राउंड पे मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों आपको एक बात और ढंग से पता होनी ही चाहिए, फिर चाहे इंटरिम बेल पे जाएं, एंटीसिपेटरी बेल पे जाएं, फिर आप रेगुलर बेल पे ही क्यों ना जाएं। आप सोचे सेशंस कोर्ट में बेल लगाई और बेल हमारी नहीं हुई, आगे बेल होगी भी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, डिपेंड करता है। ऐसे मामलों में जो सीरियस मामले होते हैं, मैं मर्डर की बात नहीं करता, मैं पॉक्सो की, एनडीपीएस की, रेप जैसे केसेस जो हम केसेस फाइट करते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बेल नीचे जो कोर्ट होते हैं सेशंस कोर्ट, वहां से बेल डिसमिस हो जाती है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आपकी बेल हो भी जाती है, तो आपको फाइट तो दोस्तों पूरी करनी ही पड़ेगी, बेल आपको बार बार लगानी पड़ेगी। ऐसा थोड़े चांस कम होते हैं कि एक ही बार में आप बेल लगाएंगे और आपकी बेल हो जाएगी, आपको इंतजार करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि रेगुलर बेल, कोई इंसान मान लीजिए जेल में है, अब उसको बेल कैसे मिलेगी? चार्जशीट लग गई सर, अब तो हमारी बेल हो ही जाएगी, सर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, अब तो हमारी बेल हो ही जाएगी, सर अब तो मेरे चार्ज फ्रेम होने वाले हैं, और सर मुझे तो 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब तो मेरी बेल हो ही जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप जिस केस में अंदर हो वो मर्डर केस है, और मर्डर केस बहुत ही सीरियस नेचर का अपराध होता है, इसमें काफ़ी कुछ देखा जाता है। कि मतलब अगर आप बाहर आ गए, लोग तो इंटरिम पर बाहर आने के बाद भी जो स्टेटमेंट जिनको देनी है, जो गवाह है, जो विटनेस है, उन्हें धमकाना शुरू कर देते हैं, पुलिस से साठगांठ शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में कोर्ट भी स्ट्रिक्ट होता है, देखना पड़ता है सब चीज़ों को। अब यहाँ पर चार्जेस फ्रेम हो गए और जो जो मटेरियल विटनेस है उनकी स्टेटमेंट हो गई, या मेन जो आई विटनेस है उसकी गवाही हो गई, कौन होता है आई विटनेस, कौन होता है हियर से विटनेस, कौन होता है, मतलब कौन कौन से एविडेंसेस होते हैं, इन सब पर भी वीडियो बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, उसका आप इंतजार करना। बहुत डिटेल में हम बात करेंगे एविडेंस कौन सा मान्य कोर्ट में होता है, कौन सा मान्य नहीं होता, उन सब पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। पर मर्डर केस में आपको देखना पड़ेगा कि किस किस की स्टेटमेंट हो गई, किस किस की गवाही हो गई, उसके बाद ही बेल के आपके अच्छे ग्राउंड्स बन पाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अक्सर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी को फांसी की सजा होती है तो यहाँ पर कई बार बात ऐसी की जाती है कि किसी को जान से मार देना सभ्य समाज की पहचान नहीं है। पर दोस्तों जब कोई किसी को मार देता है लोगों के अंदर रोष होता है, यहाँ बात की जाती है आर्टिकल 19 और 21 को हिट होने की, कि किसी के दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता है, आप किसी के प्राण छीन नहीं सकते। पर जिस इंसान ने किसी दूसरे को जान से मार दिया तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि सजा मौत की दी जा सकती है। जिस तरह से 309 IPC में बताया गया है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते,
उसी तरह से आप किसी को मार भी नहीं सकते। ताज इराते हिंद दफा 302 के तहत कुछ इस तरह से पहले हिंदी मूवियों में दिखाया जाया करता था। ताज इराते हिंद का मतलब हुआ आईपीसी इंडियन पीनल कोड की दफा, जो इंडियन पीनल कोड का ताज इराते हिंद का जो हमारा एक्ट 1860 जो 1860 का जो कानून है उसके अनुसार देखा जाता है। और साथ में ही थोड़ा जब आगे बढ़ते हो आप तो यहाँ बोलते हैं दफा 302, दफा मतलब सेक्शन। सेक्शन दोस्तों सभी तरह के सेक्शन को सेक्शन नहीं बोला जाता, जैसे कि आप अगर पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उसे हम बोलते हैं आर्टिकल, इसको हम बोलते हैं दफा। सेक्शन आईपीसी का भी तो वही सेक्शन ही होता है, सीआरपीसी का भी सेक्शन होता है, एविडेंस एक्ट का भी सेक्शन होता है। जितने भी क्रिमिनल मामले चलते हैं उन सभी क्रिमिनल मामलों को चलाने की जो प्रोसीडिंग है वो सीआरपीसी में बताई गई है। सीआरपीसी जो होता है अपना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और साथ में किस तरह से एविडेंसेस दिए जाएंगे वो एविडेंस एक्ट में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो मर्डर का मामला है वो तीन तरह से क्यों बांटा गया है। दोस्तों बोलते हैं कि जो 299 है, सबसे पहले 299 को आप समझ लीजिए। 299 बोलते हैं कि सर्कमस्टेंसेस चाहे कुछ भी रहे हो पर किसी भी इंसान की जान गई है, जान गई है ऐसे मामले में कल्पेबल होमोसाइड की बात करता है 299। अब दोस्तों कल्पेबल होमोसाइड में अब उसको मारने का, जिस इंसान की मौत हुई जिसकी हत्या कर दी गई उसमें अब आपने जान से मारा, जिसको वो जानबूझकर मारा या गलती से मर गया ये बात की बात है, ट्रायल तय करेगा। बट फिलहाल कोई इंसान मरा है वही कल्पेबल होमोसाइड में काफी डिटेल में बताया गया है। जब भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कल्पेबल होमोसाइड को तो डिटेल में बताऊंगा आपको, 300 पर और 301 पर भी डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 300 का मतलब आईपीसी का मतलब यह है अपराध हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है और इरादा उसमें था किसी को मारने का, यह 300। जब भी आप देखो किसी का मर्डर होता है 302 के तहत जब कोई केस दर्ज होता है तो वहां 300 को रेफरेंस माना जाता है कि 300 के बाद ही 302 को बनाया जाता है। 301 बोलता है गैर इरादतन हत्या, किसी को इरादा नहीं था मारने का उस व्यक्ति को पर वो मर गया। गैर इरादतन हत्या के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 302 के तहत जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसके अंदर भी सजा का जो प्रावधान है वो सेम है। दोस्तों ये जो सजा है या फिर मैं बोलूँ 302 का जो मामला है किसी को मारने का, कोई इंसान मर जाता है ये कोई नया नहीं है। अगर आप मामले चीटिंग फॉर्जरी जैसे देखो जो आईटी एक्ट बन गया 400 BC में जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ये बेशक अभी के कानून है, ज़्यादा बड़े कानून नहीं है, पॉक्सो एक्ट भी अब जाके आया, पर ये जो मर्डर है जो लोगों को मारा जाता है ये अभी की बात नहीं है, कितने हजारों सालों से ही ऐसा चलता आ रहा है और ये चीज़ें होती हैं। इस पर कानून और स्ट्रिक्ट किए गए आगे आगे जाकर कि अब तो ऐसा होता है कि किसी को आप थप्पड़ भी मार दो तो उस पर भी केस दर्ज हो जाता है। उस पर हालांकि हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख जरूर लेना। कोई भी किसी तरह का सवाल आपके दिल में दोस्तों मर्डर केस को लेकर, सवाल अपने पूछें कमेंट बॉक्स जाके हमें सजेस्ट करें, या फिर कुछ जानना चाहते हैं अपने केस को लेकर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हो सकता है आपको आपके केस से हम आसानी से निकाल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।